हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आग लगाई हुई होगी आपने और लगा करके रखनी है। अब आग डिस्करेज नहीं होना है। यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पर, आसपास पढ़ने वाले दोस्त, लाइब्रेरी में दोस्त, ये सब पढ़ा तूने, वो सब पढ़ा तूने, ये इंपॉर्टेंट है, ये किताब देखी तूने, वो किताब देखी तूने, बहुत सारी बातें होंगी। अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है। जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उस टीचर पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है। पढ़ने को तो दुनिया में लाखों किताबें हैं, ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्पेशली यूपीएससी की तो यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस का, और इसके अंदर मेनली हमने डिस्कस करना है कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं राइडर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये राइडर्स होता क्या है, और फिर इससे रिलेटेड जो भी हमें चीज़ें कवर करनी है वो हम देखेंगे। इजी कंसेप्ट है, कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। वंस यू लिसन इट फिर आपको इसके अंदर टेंशन। इंश्योरेंस के ज़्यादातर कंसेप्ट ऐसे ही हैं, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक बार समझ लिया फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेट कॉज का मैंने कंसेप्ट आप लोगों को कराया था, जिन बच्चों ने वो वीडियो देख लिया। सीक्वेंस में देखने हैं सारे वीडियोज, ठीक है। लेक्चर सारे देखोगे तभी फायदा होगा। अप्रॉक्सीमेट कॉज का कंसेप्ट है, उसमें रट्टा क्या लगाओगे? एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो समझ में आ गया। ओके, सो एमसीक्यू कोर्सेज हैं गाइज, और ये कॉम्बो कोर्स को मैं बार बार इनकरेज कर रहा हूँ आपको लेने को। यूपीएससी ईपीएफओ, इसके ऊपर अभी 50% ऑफ भी चल रहा है। सो गो एंड टेक दिस कोर्स, एंड डेफिनेटली इसके अंदर आपकी पीडीएफ फाइल्स भी इंक्लूडेड होती हैं, तो पीडीएफ फिर आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आ जाए कंसेप्ट के ऊपर राइडर्स के। तो राइडर्स बेसिकली होता क्या है? ऑलरेडी आपने कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ली हुई है, उसके ऊपर अगर आप कोई एड ऑन लेना चाहते हो, ठीक है जी, उसके ऊपर आप कोई एड ऑन लेना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो अपनी बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी में। कोविड के टाइम पे ये बड़ा हुआ था। कोविड के टाइम पर इंश्योरेंस कंपनीज की ऐसी टीवी के ऊपर एड भी आती थी जब नया नया कोविड आया था, कि हाँ जी अगर आपके पास आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें आप अपना कोविड से प्रोटेक्शन जो है उसको ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली एक बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर आप कुछ ऐड ऑन करा लो। फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कवर करती है फ्रॉम कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, ठीक है, लाइक हार्ट अटैक्स एंड ऑल से आपको कवर करती है। उसके अंदर आप एडिशन कराना चाहते हो, आप आफ्टर सम टाइम यू फील कि यार इसके अंदर कुछ एडिशन कराना है, उसके अंदर आप कैंसर से रिलेटेड कुछ एडिशन करा लेते हो। ओके, तो बेसिकली एडिशनल बेनिफिट ये आपको बेसिकली प्रोवाइड करेगी बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी से अलग। ओके, जो आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लगता है कि यार इंपॉर्टेंट है। जनरली तो देखो थ्योरेटिकली मैं बात करूं तो राइडर को आप किसी भी टाइम परचेज कर सकते हो, जब भी आपकी जो बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी है जब तक वो एग्जिस्टेंस में है। बट इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी परचेज कर सको। उसके अंदर ना इंश्योरेंस कंपनीज एक टाइमलाइन प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है, कि आप विद इन 1 मंथ कर सकते हो, या विद इन 2 मंथ्स कर सकते हो, या विद इन 3 मंथ्स कर सकते हो, उसके ज्यादा लेट नहीं आप कर सकते। ऐसा पॉलिसी टू पॉलिसी या कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, क्योंकि जो राइडर होती है ना, जब आप एक एड ऑन बेनिफिट ले रहे होते हो तो उस टाइम पर ना आपको दोबारा से टेस्ट वगैरह नहीं कराने पड़ते, ठीक है। जैसे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, तो जब आप बेसिक पॉलिसी अपनी लेते हो तब आपका कंपनी पूरा हेल्थ चेकअप कराती है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ उसमें एड ऑन लेते हो या राइडर लेते हो तो फिर कंपनी की वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल की प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब राइडर्स 2 टाइप के होते हैं बेसिक प्लान में, ओके। एक तो राइडर में ये होता है कि आप राइडर का क्लेम अलग से ले सकते हो, ठीक है। एक तो होता है कि आप सिर्फ राइडर का क्लेम लेना चाहते हो, जो आपने आपकी बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी है वो स्टैंडिंग रहेगी, आपने राइडर के अंदर क्लेम ले लिया और वो राइडर आपका फिर खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक हेल्थ की पॉलिसी थी, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस को कवर कर रही थी, राइडर आपने कैंसर का ले लिया और कैंसर के अंदर आपने कोई वो अगेन ये आपने यार जब मैं आपने बोलता हूँ ना तो उसको ऐसे मत लगाना कि मैं ये बोलने की बस एक आदत है, ठीक है। तो राइडर कैंसर के लिए लिया था तो कैंसर का यूज हो गया तो आपका ये खत्म हो गया, लेकिन बेसिक पॉलिसी आपकी स्टैंडिंग है। दूसरा क्या होता है, दूसरे के अंदर ये होता है कि आपने चाहे राइडर के अंदर भी अगर क्लेम लिया है तो फिर आपकी राइडर और बेसिक दोनों जो है वो टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है। ये 2 केसेस होते हैं, अलग अलग डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। अब कॉमन राइडर्स आ जाते हैं कुछ, जिसके अंदर आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट, वेव
और ऑफ प्रीमियम और कुछ ऐसे राइडर्स जो इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट बेसिकली क्या होता है, जब डेथ आपकी हो रही हो बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट या बॉडीली इंजरी जो एक्सीडेंट की वजह से हुई है, तो इस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के अंदर ना आपका जो सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन की डेथ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट हुई या एक्सीडेंट की वजह से जो इंजरी हुई थी बॉडी के अंदर उस इंजरी की वजह से डेथ हुई, तो उस केस में जो सम एश्योर्ड है, जो बेसिक पॉलिसी के अंदर सम एश्योर्ड था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या एनी अदर मल्टीपल, डबल की जगह ट्रिपल फोर टाइम्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। और ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो प्रोग्राम है ये जनरली 65 की एज के बाद खत्म हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइडर है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ता और आपका सम एश्योर्ड एक तरीके से डबल हो गया। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर उनकी कभी डेथ होगी तो वो एक्सीडेंट की वजह से ही होगी, तो इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा राइडर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की फॉर्म में ले लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर है ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। फिर आ जाता है आपका एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट। इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो भी वैल्यू थी वो ऑलरेडी एडवांस में आप पे कर चुके हो, ठीक है, डेथ नहीं हुई है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ नहीं हुई है, ऑलराइट, तो नाउ यू आर लिविंग, डेथ हुई नहीं, अल्टीमेटली अब उस पैसे का क्या होगा, तो उस केस में आप उस पैसे को मल्टीपल वेज के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप उसको टर्मिनल इलनेस कवरेज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप 25-50% ऑफ पॉलिसी को आप यूज कर सकते हो, जहां पर आपको कोई टर्मिनल इलनेस मिली है डायग्नोसिस के अंदर, ओके, तो इसके अंदर बेसिकली ये प्रोविजन में ये होता है कि मैक्सिमम 6 से 1 साल के लिए कोई लिविंग है। तो बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या, आपको पॉलिसी तो आपकी डेथ के ऊपर थी, लाइफ इंश्योरेंस था आपका कि डेथ हो गई तो ये पैसा मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली यू आर नॉट डाइंग, यू आर नॉट करेंटली डेड, बट यू कैन यूज दैट मनी बिकॉज आपके अंदर कोई टर्मिनल इलनेस है या कोई कैटास्ट्रॉफिक इलनेस आ गई है, ठीक है। तो अब आप इंश्योरेंस कंपनी को इस पर्टिकुलर क्लॉज से, इस पर्टिकुलर राइडर से बोलोगे कि भाई देख डेथ तो नहीं हुई बट पैसा तो अभी चाहिए ना इंश्योरेंस का, वो वाली चीज इसके अंदर होती है। वेवर ऑफ प्रीमियम, वेवर ऑफ प्रीमियम बेसिकली क्या होता है, अगर टोटल डिसेबिलिटी हो गई द पर्सन हु इज इंश्योर्ड एंड उसकी 65 की एज से पहले टोटल डिसेबिलिटी हो गई, तो फिर उसको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है टिल द टाइम द पर्सन इज डिसेबल्ड, ठीक है, जब तक वो डिसेबिलिटी चलती है, आपकी पॉलिसी को डिस्कार्ड नहीं कर दिया जाएगा। नहीं तो जनरली क्या होगा, आप प्रीमियम नहीं पे कर पाओगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले कहेंगे प्रीमियम नहीं पे करा, चलो इसकी पॉलिसी खत्म। बट जब आपने ये वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर लिया होगा तो जब तक आपकी डिसेबिलिटी है तब तक आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर नहीं होगा। अब कुछ राइडर्स ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि गारंटीड इंश्योरेबिलिटी ऑप्शन, ठीक है, ये बेसिकली क्या बोलता है, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि राइडर परचेज करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड टाइम होता है कि 1 महीने में 2 महीने में ले लो, ये ऑप्शन आपको काफ़ी लंबा टाइम देता है कि 3 साल बाद भी अगर आप चाहो तो आप एडिशनल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर आपने आज 1 लाख रुपये की इंश्योरेंस लिया तो आप उसको 3 साल बाद 2 लाख रुपये की करवा दोगे, टाइम बढ़ा दोगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके, एंड इसके अंदर एक स्पेसिफाइड एज होती है कि इतनी उम्र नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा आप कभी भी करवा सकते हो, ओके। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग राइडर, वन ऑफ द मोस्ट एडेड फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ओके। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपकी अकॉर्डिंग टू टाइम अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है तो आप उसको इसके अंदर एडिशन जो है वो करा सकते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी चेंज हो गई है तो बेसिकली ओल्ड एज में ये आपको हेल्प करेगा। डिसेबिलिटी इनकम बेनिफिट, अगेन अगर डिसेबिलिटी सफर करता है कोई तो उसको एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम बेनिफिट प्रोवाइड करने के भी राइडर्स हैं। ये राइडर्स इतने ज्यादा अवेलेबल इंडिया के अंदर अभी नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट राइडर्स गाइस, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मेनली इतना याद रखना है राइडर होता क्या है। अब इतनी लंबी वीडियो बना दी, उसके बाद जो मेन चीज याद रखनी है ना वो 1 सेकंड की है, राइडर इज इक्वल टू एड ऑन टू बेसिक पॉलिसी, इतना अगर याद रह गया ना तो हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए करना पड़ता है इतना कवर, ओके। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। टेक केयर।